अगर सरदार साहब न होते तो देश कैसा बिखरा हुआ होता, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। कश्मीर को छोड़कर के पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम सरदार साहब के जिम्मे था, उन्होंने करके दिखाया और आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद इस महापुरुष को जिस रूप में देश को समझना चाहिए, जिस रूप में इस महापुरुष की देश की उस पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको किसी न किसी कारण से संभव नहीं हुआ। मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों में भी सरदार साहब का नाम अमर रहे, सरदार साहब का काम अमर रहे, सरदार साहब की प्रेरणा अमर रहे।